बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स को अडॉप्ट किया होगा जो हमारे हेल्थ वर्कर्स और हमारी गवर्नमेंट हमें एडवाइस कर रही है। सो आज मैं यहाँ पर पेपर पैटर्न फर्स्ट ईयर बॉटनी का जो है डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर थ्योरी पेपर जो है हम जैसे जानते हैं कि बहुत सारे कॉलेज में हमारे यहाँ पे 100% सिलेबस कम्प्लीट हो चुका था और बहुत सारे कॉलेज प्रीलिम स्टार्ट हो गए थे और कुछ जो है इस पेंडेमिक कोरोना की वजह से हमें बीच में ये सिलसिला मुनकता करना पड़ा। सो आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह जुलाई में हम अपना एनुअल एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे। सो पेपर पैटर्न फर्स्ट ईयर का, जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं और चूंकि ये बच्चे हमारे पास नए आए होते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कोशिश होगी कि आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर दें। सो जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया कि हमारे पास 45 मार्क्स की थ्योरी है बॉटनी की फर्स्ट ईयर पेपर में। सो प्रैक्टिकल हमारा 7 मार्क्स का है, 45 की थ्योरी है, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एमसीक्यू सा क्वेश्चन। अच्छा, एमसीक्यू सा क्वेश्चन उसके 9 मार्क्स हैं और उसमें हमें 18 जो है एमसीक्यूज दिए जाते हैं, जो कि आधे नंबर का एमसीक्यूज होता है और आपको वो अटेम्प्ट करने होते हैं और उसमें आपको जो है टोटल आप 18 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे और आपके 9 मार्क्स हो जाएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज। इसमें एक जो कॉमन मिस्टेक बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं वो ये कि जब हम पेपर बच्चे लेते हैं तो उसमें हर बच्चे को अलग से एमसीक्यूज पेपर मिलता है, सेम नहीं होता। उस पे लिखा होता है कि बॉट 1 है आपके पास, बॉट 5 है, बॉट 7, बॉट 9 के बाद बॉट 13 जो भी है। सबसे पहले आप वो मेंशन कीजिए कि आपके पास कौन सा एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर रहे हैं पेपर, देन आप स्टार्ट कीजिए। और सेकंड जो बहुत कॉमन मिस्टेक है वो है ओवरराइटिंग। हमारे यहाँ पर बार बार पेपर में हम लिखते हैं कि ओवरराइटिंग नॉट अलाउड। इवन देन बच्चे क्या करते हैं, एक दफा लिखा समझ में नहीं आया, उसको जो आजकल इरेजेबल मार्कर्स मिलते हैं या जो भी है उसको इरेज करके दोबारा लिखते हैं, फिर तीसरी बार लिखते हैं। बेटा उससे पेपर भी खराब होता है, इम्पैक्ट भी खराब होता है और वो ओवरराइटिंग अलाउ नहीं होती, उससे एग्जामिनर इस चीज को कंसिडर नहीं करते। फिर आ जाता है हमारे पास पार्ट बी, जो कि शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस का है। इसमें सबसे पहला पोर्शन जो हमारे पास है शॉर्ट का बी पार्ट, तो उसमें हमारे पास जो है बॉटनी स्कीम में है वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट एंड देन लॉन्ग क्वेश्चन। सो जो पेपर जो पार्ट बी है उसमें पहला जो क्वेश्चन 2 है उसके मार्क्स हैं 22 मार्क्स, यानी आपने जो वेरी शॉर्ट अटेम्प्ट करने हैं वो 10 जो है आपने शॉर्ट वेरी शॉर्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं और उसके 10 के आपको जो है उसमें दी होती है लाइनिंग कि आपने नॉट एक्सीडेंट 2 or 3 लाइंस या नॉट एक्सीडेंट 2 लाइंस। सो बेटा बहुत ज्यादा उसमें जो है कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज जो क्लियर लिखा होता है, जो कुछ लिखा है आपने वो पढ़े अच्छे तरीके से। बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं, जैसे कि हमारे पास बॉटनी में बहुत सारे टर्म्स हैं जो सिमिलर लगते हैं बट दे आर नॉट सिमिलर। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी मैं आपको प्लास्मिड एंड प्लास्टिड की। सो प्लास्मिड इज अ डिफरेंट थिंग एंड प्लास्टिड इज अ डिफरेंट थिंग। बेटा पढ़िए गौर से उस क्वेश्चन को और देन उसका आंसर लिखिए। देन जो आपका शॉर्ट है उसमें आपके टोटल आपको 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, उनके 12 नंबर हैं, ठीक है, यानी 2 मार्क्स का आपका शॉर्ट है, 1 मार्क का आपका मार्क का आपका वेरी शॉर्ट है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है 14 मार्क्स के। लॉन्ग क्वेश्चन में भी क्लियरली इंडिकेट किया होता है कि ये चीजें आपने लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में हमारे पास फैमिलीज हैं, उस फैमिलीज में भी क्लियरली लिखा होता है आपने ये करना है। 7 मार्क्स जो है वो आपका एक क्वेश्चन होता है, 2 आपने अटेम्प्ट करने हैं, उसके आपके 40 नंबर हो जाएंगे। और ओवरऑल आपकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके हैं 36 मार्क्स और एमसीक्यूज के हो गए आपके 9 मार्क्स और आपका 45 का ये पूरा आपका पोर्शन जो है, यानी थ्योरी का पेपर उसके 45 मार्क्स है। होप के बहुत सारी चीजें क्लियर आपको कर दी हैं टीचर्स ने और कर भी रहे होंगे, क्योंकि हमारी जो राइटफिट का था ये एडवाइस है या उनकी हमें कि हम बच्चों से कांटेक्ट में रहें। बेटा जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो कुछ भी समझना है, आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं अपनी क्यूरीज हमें भेज सकते हैं। ये जो यूट्यूब चैनल हमारे डायरेक्टेड का है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, उसमें आप अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत चीज़ कि मुझे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं, वो 2-4 चीज़ें क्लियर करूंगी, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह सेकंड ईयर का पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे, वो भी बच्चों को बहुत कुछ पता भी है। उसमें ये है कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि एपिडेमिक और पेंडेमिक क्या है या ये कोविड 19 क्या है।
बेटा COVID-19 कोरोना वायरस को जो है 19 इसलिए कि इसको 31 दिसंबर 2019 को ये रिपोर्ट हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा गया COVID-19। और सेकेंड सिचुएशन जो मैं छोड़ क्लियर करना चाहूंगी वो है इपिडेमिक और पेंडेमिक। डिफरेंस क्या है? इपिडेमिक वो डिजीज जो एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम के लिए है वो इपिडेमिक है, जबकि आप जानते हैं कि हमारे पास कोरोना मोर देन 199 और 199 कंट्रीज या 200 कंट्रीज में हो चुका है। इसलिए पेंडेमिक क्या है? वो डिजीज जो एंटायरली पूरे वर्ल्ड को, पूरी ग्लोब को इफेक्ट करे, उसको हम कहते हैं पेंडेमिक। और आई एम वेरी मच होपफुल कि आप लोग अपनी बहुत अच्छा ख्याल रख रहे होंगे और रीएन कर रहे होंगे। बेटा बहुत अच्छा टाइम है आपके रिवाइज करने का, और इंशाल्लाह होपफुल है कि जुलाई में हम इंशाल्लाह आपके एनुअल एग्जाम देंगे। होप टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।